ओके, तो इस सेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि विनफॉर्म के अंदर सेंड करते हैं डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, राइट? हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म इन विनफॉर्म सी शार्प। तो सी शार्प के अंदर हम एक विनफॉर्म लाइब्रेरी यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक फॉर्म से डेटा सेंड करेंगे और दूसरे फॉर्म पे हम उसको रिसीव करेंगे, राइट? अब अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा सिनेरियो है, हम क्या करने वाले हैं, दो फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म जो फॉर्म वन हो गया और दूसरा हमारे पास फॉर्म टू होगा, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस दो या तीन या फोर जितने आप बनाना चाहो आप बना सकते हो, वो नीड पे होगा हमारे पास, सही है? तो हम क्या करते हैं, यहां पे अपना पूरा डेटा लिखेंगे और जैसे ही सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वो दूसरे फॉर्म पे डेटा शो कर देगा। अब दूसरे फॉर्म पे आप डेटा लेबल्स के अंदर शो करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा शो करना है तो भी आपकी मर्जी है। आप चाहें तो दूसरे फॉर्म के लोड होने पे डेटा शो करवा दें, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो रिसीव के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद डेटा शो करवाएं, तब भी आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को हम परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, इन सबसे पहले आपको ये भी जो है वैलिडेशन लगानी है कि अगर एम्प्टी है हमारे पास क्या टेक्स्ट बॉक्स, तो हमें वो क्या कह दे, एक मैसेज वगैरह शो कर दे कि एम्प्टी डेटा सेंड नहीं होगा। यू हैव टू फिल ऑल द फील्ड्स, राइट? तो ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं इन दिस सेशन। तो सबसे पहले विंडो विजुअल स्टूडियो ऑन करते हैं और उसके बाद आपको पता है फॉर्म कैसे बनाते हैं, राइट? तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, फॉर्म वन है हमारे पास, और इसके अंदर सिंपल हम क्या करते हैं कि कुछ कंट्रोल एड करवा देते हैं। कंट्रोल से मतलब कि हम कुछ लेवल्स और एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन, ठीक है? हम इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं यहां पे, एंड वी हैव अ टेक्स्ट बॉक्स एंड वी हैव अ लेवल। सबसे पहले इस लेवल का जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर देता हूं। आई एम गोइंग टू चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम लेवल वन टू यूजर नेम, या आप समझ लो कि नेम लगा देते हैं, डन। उसके बाद इसी की थोड़ी फॉन्ट फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं यहां से, एंड आई हैव टू सेट कि भाई ये बोल्ड होना चाहिए एंड दैट शुड बी 12 इट्स फॉन्ट साइज। उसके बाद यहां पे आके आप इसको मल्टी लाइन बना दें। मल्टी लाइन के अंदर आप क्या करोगे, इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो, राइट? ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसकी भी फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देते हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूं 12, ओके कर देते हैं, ठीक है? और इसके अंदर आपने एक वैल्यू इंसर्ट की हुई है टेक्स्ट के, बट मुझे इसको चेंज कर देना है, डन है? उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे आके ऐसे मुझे दो तीन जो है टेक्स्ट बॉक्सेस बना देना है। तो मुझे लेबल भी चाहिए और टेक्स्ट बॉक्सेस भी चाहिए, बस तीन काफी है। अब चाहे तो दो दो भी काफी है हमारे लिए, राइट? और उसके बाद इस बटन का भी नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं और ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग वगैरह दे देते हैं, डन हो गया। इसकी फॉर्मेटिंग यहां से आके पहले तो इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, सेंड डेटा। इसका फॉन्ट जो है हमारे पास, इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, एंड आई हैव प्रोवाइड अबाउट 14, डन हो गया। उसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर है, सारी चीजें अगर आप चाहें तो चेंज करते जा सकते हैं, डन है? और यहां से आके मैं क्या कर देता हूँ, इसका फॉन्ट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, कस्टम में जाते हैं एंड आई हैव टू प्रोवाइड दिस कलर, डन। वैसे ही ये सारे हमारे पास इनपुट है और इनका भी अगर आप बैक कलर वगैरह यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके कर सकते हैं। मैंने सबको सिलेक्ट किया हो, यहाँ पे आके ऑटोमेटिक इसका कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, सबका एक ही कलर दे देते हैं, डन है? क्लियर? सबको एट अ टाइम सिलेक्ट करके, और वैसे ही आप फार्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी भले कर दें आप, ठीक है? और यहाँ पे बैक कलर है, मैं यहाँ से आके बैक कलर को ही प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ से हम कोई दे देते हैं, डन हो गया। हमारा फॉर्म डिजाइन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यू जस्ट हैव टू क्लिक और डबल क्लिक ऑन दिस सेंड डेटा बटन। लेकिन इस पे काम करने से पहले मुझे इसके फॉर्म लोड इवेंट पे काम करना है, यानी फॉर्म वन के राइट क्लिक उस पे करें और व्यू कोड में जाएं। कहां पे, व्यू कोड में।
अब जैसे ही व्यू कोड में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जैसे क्लास स्टार्ट होता है, कौन सा क्लास? फार्म वन, जो एक्सटेंड कर रहा है कौन से क्लास को? फार्म को। इसके कंस्ट्रक्टर से पहले, ये कंस्ट्रक्टर शो हो रहा है ना जो आपके इनिशियलाइज करता है सारे कंपोनेंट्स को, इस कंपोनेंट से पहले मुझे यहां पे कुछ कोड करना है। कौन सा कोड करना है? आई जस्ट हैव टू क्रिएट सम वेरिएबल्स, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेस है। अगर आप नंबर भी लेना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। मैं यहां पे बना देता हूं s1, और स्टैटिक इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे इनको डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा क्लास के नाम से, वरना हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना? तो आपकी मर्जी है, राइट? तो मैंने तीन वेरिएबल बना दिए हैं, s1, s2 और s3। ये क्यों बनाया? मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने फॉर्म वन के अंदर तीन टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए, इन तीनों का डेटा लेके उन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना, सही है? क्योंकि मुझे वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी। व्हाई? व्हेन आई एम गोइंग टू सेंड डेटा फ्रॉम फॉर्म वन, तो मुझे वेरिएबल कौन से चाहिए? स्टैटिक चाहिए, या मुझे लोकल वेरिएबल भी चाहिए तो पब्लिक के साथ चाहिए। क्यों? आप वहां पे बना सकते थे, लेकिन यहां पे अगर आप टॉप में रखते हो ना, वो क्या होगा कि उसी इवेंट में एक्सेस होंगे, उसके बाहर एक्सेस नहीं होंगे। लेकिन मैं उसको क्या बनाना चाह रहा हूं, पब्लिक ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ना, वो बनाना चाह रहा हूं, ताकि मैं दूसरे फॉर्म में उनको एक्सेस करूंगा, यहां पर नहीं। समझ आ रहा है? जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज कहीं और करते हैं ना, आप चाहें तो वहां पे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वहां पे हम ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे वहां पे दूसरे फॉर्म पे इनको एक्सेस करना, राइट? हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे आपका इवेंट एक क्रिएट हो जाता है। आपको पता है डबल क्लिक का इवेंट क्रिएट हो जाता है, राइट? उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास ये जो s1 है उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 से डेटा लेकर इसके अंदर स्टोर कर देना है। सही हो गया? इतना सा काम है कि आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा s1 के अंदर स्टोर करना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा किस पे स्टोर करना है, s2 के अंदर, और s3 के अंदर क्या स्टोर करना है, टेक्स्ट बॉक्स 3 का डेटा। डन हो गया। बस इतना करना है, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेकर किसको स्टोर करना है, वेरिएबल्स को। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर, एंड मैं चाहता हूं जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो ये दूसरे फॉर्म पे चला जाए। कहां पे चला जाए? दूसरे फॉर्म पे। ऐसे ही है ना, क्योंकि मैं उन वेरिएबल्स के अंदर डेटा लेके कहां पे लेके जाना चाह रहा हूं, दूसरे फॉर्म पे। आज हमारा पर्पज ही यही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फॉर्म दूसरा एक बनाना पड़ेगा, राइट? तो मुझे क्या करना है, यहां पर आके इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, और प्रोजेक्ट के बाद आप एड में जाएंगे। एड के बाद आप जैसे यहां पर आते हो, एक विन फॉर्म विंडोज फॉर्म शो रहा है, विंडोज फॉर्म शो रहा है, तो यहां पे एक विंडोज फॉर्म ऐड करवा देना है, और उसका नाम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अभी इसका फॉर्म 2 है, मैं चाहूं तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज कर सकता हूं, सही है? रिसीव डेटा, कुछ भी आप फॉर्म का नाम रख सकते हो, सब पे। उसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूं, तो देखिए मेरे पास हाँ उसी के अंदर मल्टीपल फॉर्म बनाते हैं ना, ठीक है? क्योंकि हम हर फॉर्म के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट थोड़े ना बनाएंगे, एप्लीकेशन तो एक ही होगी ना जिसके अंदर काम करना है, प्रोजेक्ट तो एक ही होगा, तो हम एक ही नहीं 1000 फॉर्म भी बना सकते हैं, सही है? और कल को यही फॉर्म बना रहे हैं इसी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, क्लियर? क्योंकि जब भी आप सपोज स्कूल मैनेजमेंट बना रहे हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, कोई हॉस्पिटल की वेबसाइट बना रहे हो, कोई शॉपिंग मार्ट बना रहे हो, तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फॉर्म होते हैं, और फॉर्म्स के अमंग डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है, एक फॉर्म से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे। सही? अब दूसरा फॉर्म हमारे पास आ चुका है। व्हाट आई हैव टू डू, आपको यहां पे फॉर्म 1 की .cs फाइल में आना है, और यहां पे आके मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपल काम है, आप फॉर्म 2 का यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना दो। क्या बना दो? ऑब्जेक्ट बना दो। इससे क्या होगा, ये जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये दूसरे फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना देगा, और अगर आप मेथड लगाते हो शो मेथड, कौन सा मेथड? शो। तो इससे क्या होगा कि सॉरी एफ है हमारे पास, इससे क्या होगा कि हमारे पास शो का एस कैपिटल होगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये इन तीन वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर कर दे, कहां से लेके? टेक्स्ट बॉक्स से, और उसके बाद फॉर्म 2 पे चला जाए।
कहाँ पे चला जाए, फॉर्म टू पे, सही है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा, क्योंकि हम डिजाइन वाले फॉर्म को कॉल कर रहे हैं, तो जैसे बटन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसके डिजाइन पे चला जाएगा। कौन सा? हाँ, उसको शो करने के लिए कहाँ पे शो करना है उसको, यानी कि आफ्टर क्लिक कहाँ पे जाएगा, आपको फॉर्म टू को शो भी तो करना है ना, तो इसलिए तो मुझे यहाँ पे जैसे फॉर्म टू पे आना है और यहाँ पे आके कुछ लेबल स्टोर करवा देना है। क्या स्टोर करवा देना है? लेबल, क्योंकि मैं टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा लेकर लेवल्स के अंदर शो करवाना चाह रहा हूँ। किसके अंदर? लेवल्स के अंदर। अगर आप चाहें तो ये इनपुट भी बना सकते हैं, वहां पर इनपुट्स के अंदर भी लेना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है। टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेकर दूसरे फॉर्म पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही शो करना, इट्स अप टू यू, राइट। इफ यू आर गोइंग टू शो इट इन लेवल्स, देन यू जस्ट हैव टू क्रिएट सम लेवल्स ओवर हियर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और फॉर्म टू के ऊपर आके पेस्ट कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट है, एक फॉर्म से दूसरे पे, और कॉपी पेस्ट जिसमें हम माहिर हैं माशाल्लाह से, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। और इसको हम यहाँ पे लाते हैं सेंटर में, सब कुछ लिख करके सेंटर में लाते हैं, एंड एक दूसरा लेबल जो है हम बना लेते हैं, जो इनका फॉर एग्जाम्पल मैं ये लास्ट में रहने देते हैं, फर्स्ट वन को यहाँ पर उठाते हैं क्योंकि नाम के कन्फ्यूजन होगी। फिर इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, रिसीव या सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है हमारे पास, वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है जहाँ से हम डेटा सेंड कर रहे हैं, राइट हो गया। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे शो करना है? आपको फॉर्म टू के किसी बटन को अभी क्लिक नहीं करना, सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर जैसे ही आए, यानी कि फॉर्म वन पे जब बटन पे क्लिक हो तो डायरेक्ट यहां पे शो होगा ऐसे, तो मुझे क्या करना है, इन लेबल्स के अंदर वो टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा लेके शो करवा देना, सही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें, व्यू सोर्स कोड में चले जाए, कहां पे, फॉर्म टू के अंदर काम कर रहे हैं। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, अब यहां पर हमारे पास कोई इवेंट क्रिएट नहीं हुआ है अभी, लेकिन एक इवेंट क्रिएट होता है, हम उसको कहते हैं फॉर्म लोड इवेंट। जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक इवेंट क्रिएट हो जाता है, वैसे ही मैं जैसे फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करता हूं ना, तो यहां पे फॉर्म लोड इवेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि जब भी फॉर्म लोड होगा, जैसे HTML का पेज ओपन करते हैं ना तो लोड होता है, वैसे ही जैसे ही फॉर्म टू पे आप जाएंगे तो जाहिर है फॉर्म टू लोड होता है ना, तो उसके लोड होने पे मुझे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू क्रिएट वो जो लेबल्स हैं, फॉर्म टू के लेबल है ना, इसका नाम देख लेते हैं, इस लेबल का नाम है हमारे पास लेवल वन है, तो इसका क्या है, लेवल टू है, हाँ आई होप, तो लेवल टू है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे आके लेवल टू के अंदर क्या कर देना है, लेवल टू के अंदर मुझे टेक्स्ट सिलेक्ट कर देना है, कहां से लेकर, फॉर्म वन के डॉट क्लास के नाम से कौन से वेरिएबल एक्सेस होते हैं, जो स्टेटिक होते हैं, तो वहां पे हमने कौन से वेरिएबल बनाए थे, S1 बनाया था मैंने, क्या किया, फॉर्म वन के अंदर, यानी कि एक क्लास है फॉर्म वन, ये क्लास है ना फॉर्म वन, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है किस नाम से, S1 से, और वह स्टेटिक है, तो मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूं क्लास नाम के थ्रू, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, तो मैंने कर लिया, और वो किसको स्टोर कर रहा हूं, लेवल को, क्लियर। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। अब यहां पे आ जाएगा लेवल 3 और लेवल 4 एंड आई हैव टू प्रोवाइड S2 और S3। अब एक सिंपल काम कर लेते हैं, अभी हमारा इतना काम हो चुका है, मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लोड होता है तो टाइम लेता है, ठीक है जी, ये एग्जीक्यूट होने ही वाला है, डन है। अब मैं यहां पे आके कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, मैं लिख देता हूं अली, और यहां पे आके अहमद, और यहां पे आके फॉर एग्जांपल उस्मान, और यहां से सेंड डेटा करते हैं, क्या करते हैं, सेंड डेटा, जैसे ही सेंड करते हैं यहां पे दूसरे फॉर्म पे डेटा शो हो गया,
कौन सा समझ में आ रहा है? अब ये डेटा किसमें शो हो रहा है? लेबल्स के अंदर. किसमें शो हो रहा है? लेबल्स के अंदर. मुझे किसमें शो करना है अभी? टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर. तो वो भी काम कर लेते हैं आप. कैसे करेंगे? सिंपल है. यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर एंड आप ये जो फॉर्म वन के अंदर आपने तीन टेक्स्ट बॉक्सेस बनाया हुआ है ना, कॉपी पेस्ट के हम माहिर हैं, कॉपी करते हैं और हम जाते हैं फॉर्म टू पे. अब लेबल्स को मिटा के हम क्या डाल देंगे यहां पे? टेक्स्ट बॉक्सेस. राइट हो गया. अब इनके अंदर डेटा शो करवाना है. क्लियर? अब एक का नाम देख लेते हैं, फिर हमें सीक्वेंस का पता चल जाएगा. अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड पे हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं इन कंट्रोल्स के ऊपर, वो उसके नाम से करवाते हैं. तो टेक्स्ट बॉक्स वन है, टेक्स्ट बॉक्स टू है और टेक्स्ट बॉक्स थ्री है. सही है. कब इनमें डेटा फिल करना है? जब फॉर्म लोड हो. जब फॉर्म लोड हो तो मुझे यहां पे अभी क्या करना है? सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है वो कहां से करना है? उस वेरिएबल से. इजी है. पहले हम लेबल के अंदर स्टोर करवा रहे थे, अब किसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स के. हाँ हाँ, जिसमें चाहे आप करवा सकते. सही है. लेकिन वहां पे एड आइटम जैसे होता है ना, वैसे एड करवाने पड़ेंगे. क्लियर हो गया? ओके. अब मैं यहां पे आके एग्जीक्यूट करता हूं, और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो, आई जस्ट हैव टू प्रोवाइड सम नेम्स. फॉर एग्जांपल हसन और अरसलान, और यहां पे कर देते हैं हम सलमान. सेंड करते हैं. अच्छा, यहां पे हमारे पास सिर्फ सलमान आया, पता है क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस वन ही रखा है यहां पे. सही है. तो टेक्स्ट बॉक्स टू भी कर देंगे और टेक्स्ट बॉक्स थ्री भी. क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं? फिर से इसको स्टार्ट करते हैं. तो हमें क्या करना है? फिर से हसन. और अच्छा देखो, मैं जैसे टैब लगा रहा हूं तो डायरेक्ट बटन पे जा रहा है, जबकि टैब लगाने के बाद मुझे यहां पे सेकंड पे शो होना चाहिए, है ना? तो यहां पे ये भी सेटिंग करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने फर्स्ट इनपुट पे जैसे ही लिखा, और फिर हम टैब लगाते हैं ना, टैब अपने कीबोर्ड से, जैसे टैब लगा रहा हूं तो वो बटन पे आ रहा है. बटन पे नहीं आना चाहिए, वो दूसरे इनपुट पे आना चाहिए, है ना? तो ये भी सेटिंग करते हैं. लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है? हसन के बाद यहां पे उस्मान, और यहां पे आके सपोज सलाम. ओके, सेंड करते हैं. तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा आपने जो ऐड किया, और यहां पे वो तीनों के अंदर शो. समझ में आया? लेकिन ये हो रहा है फॉर्म लोड इवेंट के ऊपर. लेकिन आप चाहते हो कि दूसरे फॉर्म पे आए और फिर बटन पे क्लिक करें तब शो, उससे पहले शो ना हो. तो सिंपल क्या करना है? एक बटन बना दो. कैसे बनाएंगे? यहां से हम कर लेते हैं बटन को कॉपी. ठीक है, फॉर्म वन से कर लेंगे कॉपी इसको. डिजाइन कॉपी करते हैं और यहां पे आके फॉर्म टू के ऊपर पेस्ट करते हैं. सही है. इसका नाम चेंज कर लेते हैं सेंड डेटा से रिसीव में, और इसका नाम टेक्स्ट जो है हमारे पास ये है ना, सेंड डेटा, एंड आई हैव टू प्रोवाइड रिसीव डेटा. क्लियर? अब आपको क्या करना है? फॉर्म लोड के इवेंट पे काम नहीं करना. किस पे काम करना है? इस बटन के डबल क्लिक पे. सही है कि दूसरे फॉर्म पे जब आए और जब तक बटन ना क्लिक करे तब तक डेटा शो ना करे. किसके अंदर? टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर. तो क्या करें? इस रिसीव डेटा के फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करें तो एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा, और वही काम क्या करवा दो जो फॉर्म लोड के अंदर करवा रहे थे ना, वो डबल क्लिक पे करवा दो. कॉपी पेस्ट. सही है. जो फॉर्म लोड होने के बाद टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर डेटा फिल हो रहा था ना, अब वो बटन की क्लिक पे होगा. सही है. डेटा फॉर्म वन से फॉर्म टू पे आ तो जाएगा, लेकिन शो तब करेगा जब आप बटन पे क्लिक करेंगे. सही है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आ जाएं, एग्जीक्यूट करते हैं, और देखें ये फॉर्म वन है, शो रहा है ना फॉर्म वन. फॉर्म वन से मैं डेटा यहां से सेंड करवाता हूं, सपोज सलमान, और यहां पे हसन, और यहां पे हम कर देते हैं सपोज उस्मान, और मैं सेंड करता हूं. देखें अभी तक डेटा शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक बटन पे क्लिक नहीं किया. मैं जैसे ही रिसीव डेटा पे क्लिक करूंगा, सारा डेटा फिल कर देगा जो वहां से आया था.
क्लियर है। अब एक दूसरी बात, अब अगर मैं एक टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी भी छोड़ता हूं तो वहां पे आपके पास डेटा रिसीव हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म से आपको वैलिडेशन लगानी है कि अगर एम्प्टी है हमारे पास फील्ड्स तो वो डेटा सेंड ना हो, तो उसके लिए इवन आप शो भी करेंगे तो दो का डेटा आएगा, तीसरी फील्ड का डेटा ही नहीं आएगा क्योंकि वहां से हमने सेंड ही नहीं किया। सही है, तो हमारा जब भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके अंदर ये सारी वैलिडेशंस हमें देनी पड़ती है। क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हमें फॉर्म वन पे आना है और यहीं पे वैलिडेशन लगा देंगे। कब लगानी है? जब इस बटन पे क्लिक हो, इस बटन पे क्लिक हो तो तीनों इनपुट्स को पहले चेक करें एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो उनको आगे फॉरवर्ड ना करें। क्लियर। तो मुझे इसके डबल क्लिक पे जाना है और यहां पे सिंपल इफ लगा देनी है, और इफ के अंदर क्या बताना है ना, और इफ के अंदर आप यहां पे बता देते हो कि अगर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स वन, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स वन, उसका जो टेक्स्ट है ना वो इक्वल है या नॉट इक्वल है किसके, नॉट इक्वल है एम्प्टी के, एम्प्टी के इक्वल नहीं है, यानी कि फिल है कुछ उसमें, सही है, एम्प्टी नहीं है, और उसके अलावा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी है हमारे पास, तो वी जस्ट हैव टू कॉपी दिस फर्स्ट वन एंड पेस्ट इट अगेन कि अगर टेक्स्ट बॉक्स टू भी खाली है, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स टू भी खाली है और हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, एंड ऑपरेटर यानी कि हमारे पास जब तक सारे इनपुट क्या एम्प्टी नहीं होंगे तब तक ही आपको डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं करने देगा। सही है, तो अगर ये खाली नहीं है तो क्या करे, अगर खाली नहीं है तो ये सारी डेटा फॉरवर्ड कर दे, लेकिन अगर खाली नहीं है तो सिर्फ डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन अगर खाली है तो एल्स में जाके हमें एक मैसेज शो करवा दे, क्या मैसेज होना चाहिए, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसके अंदर एक मैसेज शो करवा दे, कौन सा, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। क्लियर है, और उसके बाद आप यहां पे आके एग्जीक्यूट करवा देते, और आप जैसे एग्जीक्यूट करवाते हो यहां पे आके मैं देखे पहले एम्प्टी तो आपको क्या मैसेज शो करवा रहा है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके आप अगर एक फील्ड इंसर्ट करते हैं दो खाली हैं फिर भी कहेगा प्लीज ऑल फिल ऑल द फील्ड्स, अगर मैं दूसरी फील्ड में डेटा देता हूं फिर सेंड के बटन पे क्लिक करता हूं फिर भी कहेगा प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, जब तक तीनों फील्ड्स आपकी फिल नहीं होती आपका यह डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा, अगर तीनों फिल हो जाती है तो डेटा शो हो जाएगा सेकेंड पे, और तब शो होगा जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ इट्स ऑल अबाउट योर रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट आपकी कुछ ये है तो आप ये काम करवा दो, अगर रिक्वायरमेंट चेंज है तो लॉजिक चेंज कर दो। क्लियर है, सिर्फ आपको ये सारे जो है ना पॉसिबल वेज आने चाहिए। क्लियर, तो कल को अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कब शो करना है, कैसे करना है। अच्छा, एक चीज हमारी रहती है जो हमने की थी कि भाई टेब इंडेक्स को सेट करना, राइट, कि फॉर्म वन के डिजाइन के ऊपर जब मैं टेब लगा रहा था तो फर्स्ट से डायरेक्ट बटन पे आ रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो टेब इंडेक्स को कैसे सेट करते हैं, आप हर एक कंट्रोल के ऊपर एक क्लिक करें, सिंगल डबल नहीं, वरना उसके ऊपर जो है हमारे पास डबल क्लिक इवेंट क्रिएट हो जाएगा, सिंगल क्लिक करें और यहां पर आ जाए, और यहां पर हमारे पास होगा टेब इंडेक्स, क्या होगा टेब इंडेक्स, तो आप नीचे आ जाते हैं, ये देखें टैब इंडेक्स क्या है इसका, वन है, लेकिन इंडेक्सेस कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से ना, लेकिन आप वन भी रखना चाह रहे हैं तो सेकंड को आप जो देंगे वो टू दे दें भले, आपकी मर्जी है, सही है, लेकिन जीरो से स्टार्ट करें तो बेहतर तरीका है, जीरो, और उसके बाद इसका हम टैब इंडेक्स दे देखें इसका फोर है ना, दूसरे हमारे टेक्स्ट फील्ड का क्या है फोर है, तो हमें यहां पर वन देना चाहिए, राइट, एंड इसका हमें दे देना चाहिए, देखो इसका सिक्स है, इसका क्या होना चाहिए टू होना चाहिए, राइट, इसका क्या होना चाहिए थ्री होना चाहिए, बस इतना सा काम है। क्लियर, अब अगर आप टैब इंडेक्सेस को सिलेक्ट करेंगे तो वन बाय वन आपके मूव होते रहेंगे, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पर मैंने कुछ लिखा टैब लगा रहा हूं, देखिए दूसरे पे आ रहा है, अब मैं कुछ लिख रहा हूं फिर मैं टैब लगा रहा हूं, देखिए तीसरे पे आ रहा है, फिर मैं टेब लगा रहा हूं तो वो बटन पे आ जाएगा,
सही है, तो हम टेब इंडेक्सेस को भी सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो ये थे हमारे पास कि हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम वन फॉर्म एंड रिसीव इट ऑन सेकेंड। क्लियर है? आज के लिए काफी है।